सुनो सुनो। तो मैं सबसे पहले आप सबका खुदा की जीवत हजूरी में स्वागत करता हूं, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम जोर से तारीफ करें, जोर से। और मैं इस चीज से थोड़ा आज हैरान हूं कि आइए सारा वेलकम, मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है, ये क्यों कर रहे हैं जो टीम जो बच्चे, ये यही जानते हैं कि क्यों है, क्योंकि अगर ये बात खुदा ने इनके मन में डाली है कुछ ऐसा करने की, तो बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों 2:13 में कि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा और सुविच्छा दोनों बातों का करने का प्रभाव हमारे मनों में डालता, वहां पे लिखा डालता है, पर ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है कि वो डालता ही रहता है सदा तक। बोलो क्या रहता है? वो सदा तक अपनी सुविच्छा का प्रभाव हमारी उन्नति के लिए, अच्छे जीवन के लिए परमेश्वर डालता ही रहता है। और नीचे मैं जानता हूं कि इस बात में खुदा की तो महिमा है ही है। बोलो क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा जो मेरे दास का छोटे से छोटे जो दास का आदर करता है वो क्या करता है? वो मेरा आदर करता है। क्या करता है? वो मेरा आदर करता है। तो निश्चय ये टीम बच्चे जिन लोगों ने भी ये सारा कुछ मिलके ये किया है, निश्चय परमेश्वर ने बड़ी बरकत दे चुका है। तो हम मुझे अगर कोई बता सकता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्यों ऐसा किया गया सब कुछ, मैं थोड़ा हैरान हूं, क्योंकि आज ना तो कोई तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और भी, है ना, क्योंकि कई लोगों को भी नहीं पता होगा जो आज आए कि ये सारा कुछ आज क्यों हो रहा है, तो मुझे भी नहीं पता। तो ये सब पूरी टीम ने इसलिए किया क्योंकि आज प्रभु बोस है, तो इस खुशी जो हमारे लिए प्रभु ने फसे का बोस किया कि हम मन में मिलकर परमेश्वर के साथ करें, तो आज इस खुशी के लिए परमेश्वर ने पूरी टीम के मन में लगाया। तो इनका मन था कि जी परमेश्वर को आदर और खुदावन के दास को आदर देना चाहते थे, और सिर्फ प्रभु बोस के आज की जो बहुत ही खास और स्पेशल और बेस्ट मीटिंग के लिए इन्होंने जो किया है। आमेन। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वैसे हमारे लिए सब मीटिंग स्पेशल है, बोलो क्या है, पर ये जो दिन आज प्रभु भोज का दिन है, बोलो क्या है, ये दिन है, तो हम, वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप रोटी खाते हो घर में, पानी पीते हो, जब भी आप रोटी खाते हो और पानी पीते हो, खुदा का थैंक्स करना, धन्यवाद करना कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया तीसरे मर्दों में से, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस से जाने से पहले चेलों के साथ ये फसे भोज किया था और कहा था कि लिखा है कि रोटी तोड़ी ली और चेलों को दी, उसने कहा ये मेरी देह है जो मैं जगत के पाप के लिए संसार के लिए देता हूं, क्या देता हूं, ये मेरी रोटी नहीं है, मेरी देह है जो मैं जगत के पाप के लिए देता हूं। और लिखा फिर उन्होंने पानी, है ना, लेकर कहा ये एक जूस, ये पानी नहीं है, ये मेरा लहू है जो मेरे नेम की वाचा का क्या ठहरेगा, तो मेरी यादगरी में क्या किया करना, तुम किया करना। तो हम महीने का जो पहला हफ्ता होता है उसमें क्या करते हैं, सब लोग प्रभु भोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप रोटी, अभी आप जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आप उस रोटी को, उस जूस को पियोगे, तो उसको रोटी नहीं, उसको यीशु मसीह की देह समझकर खाना, उसको जूस नहीं, यीशु मसीह का लहू समझकर पीना। और ये जब भी आप खाते हो तब भी याद करना कि कौन हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे मर्दों में से, जब भी आप घर में भी खाते हो तो याद करना, क्योंकि ये दिन तो महीने का जो पहला हफ्ता है हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी इन्होंने आ ये प्रभु भोज की मीटिंग में
ये सम्मान आदर महिमा ये खुदा के नाम को दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया है, समझ आ रहे हैं? और खुशी की बात ये है कि वो समर से जी उठा है। मैंने कहा खुशी की बात ये है, पूरी ये गुड न्यूज है पूरी दुनिया के लिए। बोलो क्या है? पापों के लिए मारा गया है पर सामर से वो तीसरे मुर्दों में से जी उठा है। वो जी उठने की खुशी में और आज प्रभु भोज की खुशी में जोर से उस खुदावन के नाम को आदर देते हुए जोर से जोर। हालेलुया।